नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों, तो तैयार है आप एक मजेदार और स्वादिष्ट खाने के सफर के लिए? दोस्तों आज मैं हूँ अंधेरी ईस्ट चकाला एरिया में और यहाँ पर इतनी हसल बसल, इतना केओस, इतनी आवाज, इतनी ट्रैफिक है कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि ये एरिया है कमर्शियल एरिया, ऑफिस से भरपूर है और जहाँ ऑफिस ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली रेस्टोरेंट्स भी ज़्यादा होंगे। तो ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में आज मैं आया हूँ जिसका नाम है कोंकण चिली और ये रेस्टोरेंट अपने मालवानी खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन साथ ही साथ इनके पास तंदूरी, चाइनीज़ और बाकी बहुत कुछ है। और ये रेस्टोरेंट में मेरा आने का कारण ये है क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट हैं वो हमारी होस्ट भी हैं। मिलना चाहेंगे? जैसे मिलते ही आप पहचान लेंगे। बुलाऊं? बुलाता हूँ इशारे से, आइए। तो दोस्तों पहचान लिया आपने? नमस्कार सभी खाओ दोस्तों को और मेरे खाओ दोस्त के शो में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड द स्पेशल थिंग अबाउट दिस इज कि आज ये मेरे रेस्टोरेंट में आए। क्या बात है। तो दोस्तों आई एम सो प्राउड ऑफ हर, इतनी छोटी सी उम्र में इस लड़की ने, ये रिश्ते हैं प्यार के तो आपने देखा ही होगा, उसमें से ये लड़की हमारी पोती बनी थी और अब ये इतना प्यारा अच्छा सा रेस्टोरेंट यहाँ पे चलाती है अपने भाई के साथ मिलकर। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। सो कावेरी वेल डन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ईट व्हाटएवर यू आर गोइंग टू ऑफर मी। यस आई एम आल्सो इक्वली एक्साइटेड। चल फिर अंदर चलते हैं। आइए आप भी। आइए आइए दादू। ओह वाह, कैसा लगा? स्मॉल, ब्यूटीफुल, कोजी एंड वार्म्थ है जगह में, है ना यार, कमाल कर दिया। यू नो यूजुअली वी गो टू प्लेसेस ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट आते हैं जिसमें से जो वार्म्थ और पर्सनल टच की फीलिंग ना वो अंदर आते ही मिल गई मेरे को। आई नो, वेल डन, वेल डन, ब्यूटीफुल। सो ग्लैड। चलिए अब खाते हैं जल्दी से, बहुत भूख लग रही है मुझे। बैठो, भूख लगी है, भूख लगी है। सही है। ओ माय गॉड, प्रेजेंट टू ऑल आवर मेनू कार्ड। वेरी गुड, थैंक यू। विच वाटर प्रेफर, वाटर वाटर, रिवर वाटर? वाटर वाटर और मिनरल वाटर? सादा मिनरल वाटर। अच्छा सादा वाटर, एनी वाटर यार। रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर सर। थैंक यू सर। आपका नाम? आई एम मंसूर अली। वेरी स्मार्ट यार, ये देखो मंसूर अली से मिलो दोस्तों, ऐसा स्मार्ट बंदा अंदर आते ही ना कावेरी देरी तो उसने होटल की रौनक बढ़ा दी, है ना? है ना, हाउ मेनी पीपल नहीं पूछा, देख लिया टू पीपल तब देख लिया था। अरे वाह, चल पानी पिला दे। स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट। तो ये है आपका मेन्यू कार्ड। ओके, कोंकण चिली मल्टी कुजीन, मालवानी, इंडियन, तंदूरी एंड चाइनीज। वेरी नाइस, बट मालवानी स्पेशलाइज्ड है। ओके, अरे मोमोज है तेरे पास? हाँ हमारे पास चाइनीज शेफ भी है ना। अच्छा ग्रेट। और वो जो ये एक पेरी पेरी मोमोज होता है, मैं चाहती हूँ कि आप वो ट्राई करें। कर लेंगे, वो भी कितना कितना खिलाएगी? बहुत, जितना खाना है दादू आपका रेस्टोरेंट है। क्या बात है। क्या है ना फ्रेंड्स, क्या क्या होता है, जैसे हमारी फैमिली में होता है ना, मैं, लता, अभी आरव है, मम्मी है, सबका खाने के शौक अलग। लाइक आई वुड प्रीफर टू गो आउट एंड हैव मालवणी फूड। बच्चा क्या बोलेगा, मुझे मोमोज खाने हैं, बीवी बोलेगी मुझे वेजिटेरियन खाना है, मम्मी बोलेंगी कुछ लाइट खाना है, कुछ ऐसा खाना है। तो मतलब सब आ सकते हैं यहाँ पर और सबका आराम से सेटिस्फाई होकर जाएंगे। वेरी नाइस यार, वाओ। तो बताओ मुझे क्या क्या खाना आ गया फ्रेंड्स मेरे सामने, और आई नो अच्छी स्मेल आ रही है, यू कैन नॉट कंट्रोल, आई कैन नॉट कंट्रोल, बट तो फटाफट बता दे क्या क्या है। हाँ हाँ, ये है बॉम्बिल फ्राई। ओके, ये बॉम्बिल डक नामक एक चीज होती है जी, हाँ अपनी यहाँ की फेवरेट। और ये है पॉम्फ्लेट थाली। ओके, पॉम्फ्लेट थाली में क्या क्या है? इसमें एक ग्रेवी आएगा पॉम्फ्लेट का, एक पॉम्फ्लेट फ्राई आएगा, पापड़ आएगा, भाकरी आएगी, राइस एंड दिस सोय कढ़ी। यस, और ये है कुंडली वड़ा थाली, वन ऑफ माय फेवरेट्स, मालवाणी आइटम। यस यस, जबरदस्त लग रहा है, क्या बात है। तो शेयर करें? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अरे प्लेट तो मंगवा लेते हैं। अरे प्लेट की क्या जरूरत है, इतनी बड़ी थाली जो है सामने, डायरेक्ट खाएंगे ना इसको। ला ये ना, ये लो, अभी देखो। हां ये मत समझना कि ये पूरी फिश तुम खाने वाली हो, मैं बीच में आऊंगा। हां मैं भी आऊंगी तेरी। तो चल ठीक है, चल पहले स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं। ओके बाबा, देखो हम दोनों ना वेट ही नहीं कर रहे कि एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, कुछ पोलाइटनेस, कुछ कर्टसी, खाना देख के हम सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? चटनी ना दादू, जस्ट एंजॉय। यस आई एम एंजॉयिंग। आ हां क्या बात है, वो बॉम्बे ब्रेड है, क्रिस्प एकदम से अंदर से, एकदम सॉफ्ट द फिश एंड एब्सोल्युटली फ्रेश यार, बहुत फ्रेश कैच है। यू नो फिश अगर फ्रेश हो ना तो ही उसको खाने में मजा है। एब्सोल्युटली, नहीं तो मजा नहीं है। वी मेक दिस श्योर कि हम बिल्कुल फ्रेश फिश ही मंगवाएं।
सी फूड रेस्टोरेंट है तो फ्रेश तो फ्रेश और, होना मांगता है। और हम दोनों सी फूड डाइट पे रहते हैं, खाना देखते हैं और हमको भूख लग जाती है, तो सी फूड एंड ईट क्यों क्या? आप सेट पे भी मेरे लिए इतना खाना लेकर आते थे और खाने के लिए वो किलो किलो बिरयानी द एंटायर हंडी यूज्ड टू बी फॉर अस ओनली टू पीपल हॉगिंग ऑन दैट मेकअप रूम में बैठ के खाओ। काम तो होता रहेगा, खाना भी जलना चाहिए साथ में, है ना? आई मिस दोस डेज। आएंगे वापस, मे बी हम दोनों एक शो जल्दी साथ में करें, है कि नहीं? आपसे यूट्यूब एक ट्रैवल शो शुरू कर देते ना हम दोनों, दोनों खाऊ लोग हैं, खाते रहेंगे घूमते रहेंगे। फ्रेंड भूलना मत, आज इसने बोल दिया आई डोंट माइंड, अगर इसने आगे जाके मना किया ना तो आप इनको फोर्स करेंगे, क्योंकि सब जगह बहुत फेमस है। इंस्टाग्राम का हैंडल ये बता देंगे आपको इनका कौन सा है, वहाँ जाके धराधर डीएम डालो इनको, बताओ कि इनको मेरे साथ शो करना चाहिए। व्हाई विल आई नॉट डू यार, चलो yes. मैं आपके व्लॉग्स देखती हूं, मुझे मेरे मुंह में पानी आता है। वेरी गुड, देखते रहो। आज मेरे मुंह में पानी आ रहा है तेरे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा के। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब आते हैं दोस्तों, मैं बताऊँ क्या कर रही है, मतलब हम लोग रेडी भी नहीं है शॉट लेने के लिए और ये सीधा शुरू हो जाती है, चलो खाते हैं, चलो खाते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी खाऊ है, मैं बोलता रुक जा, कैमरा रेडी होने दे, एक्शन बोलने दे, फिर खाना। बट ये चलो खाते हैं दादू, चलो खाते हैं दादू, चल अभी खा, अभी रोलिंग है, अभी एक्शन। अभी पहले भाकरी पे शुरू करूं। तू कर भाकरी से, मैंने लिया बड़े। लव दिस भाकरी, इट्स वेरी सॉफ्ट। वाह वाह, आई जस्ट लव दिस सागोती चिकन। इसकी जो मसाले हैं ना, टिपिकल मालवानी है और फ्लेवर से भरपूर है फ्रेंड्स ना, जबरदस्त बनाया है ये चिकन है ये, इसके अंदर गरम और दादू इफ यू डोंट माइंड मैं थोड़ा सा आपके प्लेट से टेस्ट करो। आई नो यू डोंट लाइक दिस एट ऑल बट आई कैन नॉट हेल्प इट टुडे। ये क्या चीज है यार, ये खाली ग्रेवी है? नो एक्स्ट्रा ग्रेवी। ओके, अच्छा अच्छा, बट चिकन की ग्रेवी है ना। मैं तो कभी पूछेगी नहीं, चल पूछ लिया तो कर लेते। मैं आपके जैसे नहीं हूँ। अरे मैंने तो लेने दिया ना, देखो देख मैं ना एक मिनट बोलो, दे दूंगा वापस। हाँ वापस आएगी, डोंट वरी। फिश फ्राई प्लेट में रखने की जगह भी नहीं है, लेकिन जगह बनानी पड़ेगी। एक बड़ा यहाँ ट्रांसफर कर दो ना। गुड आइडिया, गुड आइडिया। आजकल के बच्चे कितने होशियार हो गए, समझते हैं कि हम कुछ समझते ही नहीं है। चलो फ्रेंड्स, अभी ये पॉम्फ्रेट खा के देखता हूँ। नाइस साइज है ना थाली, नॉट टू स्मॉल नॉट टू बिग, बट एग्जैक्ट। आई टेस्ट विद दिस ग्रेवी फिश की। शेयरिंग इज केयरिंग, फूड के मामले में तो आई। फिश की ग्रेवी काफी टैंगी है फिश की कंपेयर टू द सागोती ग्रेवी। सागोती ग्रेवी प्रॉपरली स्पाइस्ड है, जो मालवानी फ्लेवर आने चाहिए उसके अंदर है। एंड अगेन ये जो फिश है ना, तुम लोगों ने इसके ऊपर मसाला बहुत कम लगाया है, बहुत अच्छा किया है। यू कैन एक्चुअली टेस्ट द फिश एकदम। हाँ हमारे जो शेफ है वो खास मालवान एरिया के हैं, तो अच्छा उनको काफ़ी नॉलेज है इस बारे में और हमें भी बताते हैं। अच्छा हम भी बोलते हैं कभी इसका मसाला कभी टेस्ट नहीं आएगा फिश का। ओके ओके, गर्म बहुत है यार ये बड़े। क्या मुझे तो रिसेंटली पता चला कि ये बेसन के बड़े होते हैं। इसमें नॉट बेसन, इसमें चार पांच आटे मिलाए जाते हैं। अच्छा, एक्चुअली मल्टीग्रेन बट प्राइमरी बेसन। बेसन भी रहता है, गेहूँ भी रहता है, रागी एक्चुअली बोलते हैं फ्राइड है बट क्वाइट हेल्दी होते हैं, क्योंकि नाचनी रागी ऑल दोस थिंग्स जो कम ना मल्टीग्रेन जो होती हैं। जो लोग लाइक अबाउट मालवानी फूड काफी हेल्दी बिकॉज़ ग्रेवी में भी कोकोनट यूज होता है और ऑयल कितना कम है तुम्हारे खाने में, ये बहुत अच्छी बात है। नॉट एट ऑल ऑयली द फूड बट इट इज डिलीशियस। मच्छी भूल गई क्या? मांग नहीं रही, आप खा लो। हाय आंखों में नजर आ रहा है, मेरे पास एक है ना एक्स्ट्रा ये ग्रेवी वाली मच्छी। नहीं नहीं सही नहीं करता मैं, बच्चों को पहले खिलाते हैं हम बाद में खाएंगे ऐसे। तुम्हें कुछ याद है तुमने मुझसे एक वड़ा लिया था? ओ अच्छा, तो उसके एक्सचेंज में कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? एग्जैक्टली, तो मुझे ये भाकरी आपको देनी। जी हाँ, देखिए इतनी बुरी नहीं, डोंट वरी आई वोंट बी, इतना अन्याय नहीं करूंगा मैं तेरे साथ। कैसे हो सकता है, इतना तो बनता है ना, अच्छी सॉफ्ट भाकरी है, मस्त और चावल की है ये ना।
तो इसलिए और मजा आता है खाने में। एब्सोल्युटली हेल्दी है, हर चीज हेल्दी है, क्या बात है। हाँ हाँ, भाकरी के साथ ना अलग ही मजा आता है मालवानी खाने का ना। हाँ, कैसे भूल रहा था मैं। तो क्या जगह छोटी है, अराउंड 24 पीपल कैन सिट हियर। लेकिन बोलो बोलो खाना कितना है। लेकिन खाना इतना है कि आप ऑर्डर करते करते थक जाएंगे। मैंने मेनू कर 630 आइटम्स। 630? यस माय गुडनेस। मतलब आप 2 साल यहाँ पे अगर रोज भी आए तो मेनू फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले बताया ग्रेट वैरायटी, और अभी तक मैंने जो भी चीज़ खाई है मैं इससे कावेरी से पूछ भी रहा था यार इतनी किचन में कैसे मैनेज कर लेते हो, तो इनके पास हर कुजिन के लिए एक अलग शेफ है। दैट इज वेरी नाइस। चाइनीज के लिए अलग, तंदूरी के लिए अलग, मालवन के लिए अलग। दैट्स व्हाई हर डिश का टेस्ट जबरदस्त है। आज तो हम मालवनी खा के जा रहे हैं, किसी दिन आके चाइनीज भी टेस्ट करेंगे, क्या बोलते हो, है ना? छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। अभी तो कितने 2 साल हुए ना खोल के? 2 साल, 2 ईयर्स, बहुत साल बाकी हैं अभी तो। अभी तो शुरुआत है। सोल कड़ी खाने के बाद हाजमे के लिए पी जाएगी, ठीक है, लेकिन बीच में भी पी सकते हैं, इसमें क्या, फिर और भूख लगेगी। नाइस। ओह वाओ, हियर कम्स माय फ्रेंड अगेन। हाउ इज द टेस्ट? अच्छा ये क्या चीज थी बता? चिकन सगोजी थाली। वाओ, दिस मसाला एंड प्रॉन्स मसाला। प्रॉन्स नो, पॉम्फ्रेट। पॉम्फ्रेट मसाला। हां नाइस ना, टेस्ट इज वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच, वेरी फ्रेश, वेरी नाइस and very sweet like you. Enjoy lunch. Thank you. We will enjoy. See dosto, staff full of sweetness, full of warmth, full of love. हंसते खेलते खिला रहे हैं और हम भी हंसते खेलते खा रहे हैं। तेरा हो गया क्या? अरे अरे यू सेड कि तेरा पेट भर गया है? अब भी तो बोली मेरा पेट भर गया है। रुक ना थोड़ा, करने दे यार, ऐसे मत कर, खाने दे। जो खा रहा है उसको तो खाने दो यार। देख बाकी भी जोड़ी हुई है, फिश भी छोड़ दी थी, इतनी अच्छी फिश को छोड़ता है क्या? या अब शायद टाइम आ गया मेरे सोल कड़ी खाने का, पीने का, पीने का। हाँ तुमने ना खाओ दोस्त को खुश कर दिया, कमाल है। मैंने जितने भी शोज किए ना वहाँ पे, जिन्होंने भी मेरा क्या बोलते हैं बच्चों के बेटियों के बेटों के रोल प्ले किए हैं, सबको बोलता हूँ यार रेस्टोरेंट खोल लो और मुझे बुलाते हैं, है कि नहीं? मैं खुश। Obedient. बट ये जब शूटिंग करते थे तब भी तूने मुझे बोला था कि मुझे खोलने का प्लान है, मुझे आइडिया दो। यूज्ड टू आस्क मी, आई रिमेम्बर। हाँ, मेरी प्लानिंग तब से चल रही है। और वन फाइन डे मुझे खबर मिली कि इसने रेस्टोरेंट खोल लिया है। एंड वन फाइन डे यू केम हियर। वन फाइन डे आई केम। दैट इज दिस फाइन डे। दैट इज दिस फाइन डे। तो मतलब ये है कि इफ समबडी हैज पैशन, फोकस एंड डिटर्मिनेशन, आई थिंक so you can achieve anything as she has done. Again, very admirable. I'm very, very, very proud of you. Thank you, darling. Yes. अब इसी खुशी में सारी फिश मैं खाऊंगा। ठीक है, चलो। अरे दे दिया। हाँ। वाह, मजा आ गया। वाह, क्या चुस्कियाँ लेके सोल कड़ी पी रही हैं? वाह 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 वाह। अरे सोल कड़ी कैसे पीते हैं? मुझे सोल कड़ी से प्यार हो गया। प्यार हो गया? अभी अरे सोल कड़ी ऐसे पी जाती है, ऐसे कटोरी उठाई जाती है और बॉटम्स अप। अब देख अभी और प्यार हो जाएगा, है कि नहीं? अमेजिंग। एक्चुअली ये खाने को डाइजेस्ट करने में भी बहुत हेल्प करती है, बहुत इसका कूलेंट होता है। दैट्स व्हाई यू जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, देयर इज जनरली वेरी हॉट इन समर्स, सो दिस एक्ट्स लाइक अ कूलिंग एजेंट फॉर देम। और क्योंकि वहाँ का खाना ओरिजिनली ही स्पाइसी होता है, दे यूज लॉट ऑफ रोबस्ट स्पाइसेस, सो दे हैव टू हैव समथिंग यू नो कूलिंग टू डाइजेस्ट दोस स्पाइसेस एंड तीखापन। अब मैं खाता हूँ चावल, तू क्या खा रही है? पी लिया, पेट भर गया। ये है आजकल के बच्चों का हाल, थोड़ा सा खाया नहीं कि इनका पेट भर जाता है। ये सब खाना मुझे खत्म करना पड़ेगा और मैं कर दूंगा, डोंट वरी। अभी तो चल रहा है काम। आपके तो बोनस हो गया दादी। क्या कि मेरे को ये भी मिल गया? एक थाली के साथ एक थाली फ्री। सही है। के साथ पॉम्फ्रेट थाली। पॉम्फ्रेट थाली मिल गई। उफ, मुफ्त 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 हो गया। चलो चलो चलो, पॉम्फ्रेट के साथ ही खाऊंगा मैं इसको। अभी देखो ना क्या कॉम्बिनेशन किया मैंने, मैंने चिकन की ग्रेवी डाली है और पॉम्फ्रेट के साथ खा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज गुड। एक्सपेरिमेंट्स हम करते रहते हैं फूड में। मैं जनरली जब भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाके सी फूड रेस्टोरेंट में मैं फ्राइड फिश मंगाता हूँ, लेकिन साथ में बोलता हूँ उनको मुझे चिकन या मटन की ग्रेवी दो। आई लाइक दैट कॉम्बिनेशन।
मोर देन फिश का ग्रेवी ना, ज्यादा मजा आता है। और जिस प्यार से तुमने खाना खिलाया ना, उसकी वजह से खाना और स्वाद लगने लगा। थैंक्स टू अली, थैंक्स टू अली आल्सो, थैंक्स टू एंटायर स्टाफ। और रामज कितने साल के बाद मिले होंगे? एब्सोल्युटली लाइक 3 इयर्स, 3 इयर्स। यस, आराम से। मैं दो शो में बिजी हो गई थी। हां, आफ्टर दैट या क्या था हम दो शो का नाम अभी बता रही थी? एक था जिद्दी दिल माने ना, जो सोनी सब पे आता था, और दूसरा दिल दिया करना, वो भी सोनी सब पे आता था। वाह, सही है। तो इसको तो आप देखते रहिए, प्यारी इतनी है कि प्यार आप करते ही रहेंगे इसको। देखा ना आपने, मतलब उस शो में मेरी फेवरेट थी है, और मैं इसका फेवरेट था किसी और रीज़न की वजह से, क्योंकि मैं तो खाना अच्छा खिलाता था, खाना खिलाते थे। और मुझे वो बहुत याद है, जब भी खा लेती थी ना, रिमेम्बर सेट पे कभी स्किपिंग करती थी, कभी जॉगिंग करनी शुरू कर दी थी, हम इसको पूछते थे भाई अभी अभी तुमने खाया है? तो अभी जब भागना, स्किपिंग, वॉकिंग, जॉगिंग भी शुरू हो गई, नहीं दादू मोटी हो जाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, मुझे खाना हजम करना है, दैट्स व्हाट शी यूज्ड टू डू। और अभी भी वही कर रही है, आज सुबह जिम जाकर प्रोटीन शेक पी के आ गई है। नेक्स्ट टाइम लिटिल फुल, यस नाइस, बट आई एम नॉट। तो खाओ दोस्तों, मजा आ गया। कावेरी यानी कि कुहू के रेस्टोरेंट में खाना खाकर इतने प्यार से इसने खाना खिलाया ना, हम तो बचते ही रहेंगे कि बस मजा आ गया, पेट भर गया, लेकिन नियत नहीं भरी। तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले, आप अंधेरी ईस्ट में हो, और अगर ना भी हो, जब कभी मुंबई आएँ, तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को एनकरेज कीजिए जो इतनी कम उम्र में इतने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं अपनी लाइफ में और बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं। एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस, मे यू डू वेल इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। एंड आप लोगों को अगर ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और ढेर सारा प्यार देते रहिए। देते रहेंगे, अगर आप आती रहेंगी तो ढेर सारा प्यार मिलता रहेगा। ओके डन डन। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगले व्लॉग का इंतजार कीजिए, और इस लोकेशन का मैं लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। तो अगले व्लॉग तक आपको क्या करना है, खाइए, पीजिए, ऐश कीजिए। धन्यवाद। बाय।